बुलंदशहर में खुर्जा NH 91 पर स्थित परम डेयरी के प्लांट से कंपनी प्रबंधन का अमानवीय चेहरा सामने आया है। बता दें कि प्लांट में 22 साल से बतौर इलेक्ट्रीशियन काम कर रहे हरपाल सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को जानकारी नहीं दी। वहीं परिजनों की मौत की सूचना जिला अस्पताल से मिली। वहीं मौत की सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। मैनपुरी के थाना गिरोह क्षेत्र में नई मंडी के पास बाइक सवार पिता पुत्र को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया, जिससे बाइक सवार पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। श्रावस्ती के थाना इकोना में अनियंत्रित कार दुकानों से जा टकराई। कार सवार युवक शराब के नशे में था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इकोना बस अड्डे के अंदर शराबियों का अड्डा है। वहां से शराब पी पी कर अराजक तत्व रोज हुड़दंग मचाते हैं। यही नहीं, नियमों को ताक पर रखकर यहां लगभग 3 दुकानें शराब की संचालित हैं, जिसकी वजह से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहां इकट्ठा होते हैं। वहीं सूचना पर पहुंची इकोना पुलिस ने ड्राइवर और वाहन को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएम की अध्यक्षता में जवाहर नवोदय विद्यालय गौरीगंज में 290 माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रशिक्षण दिया गया। डीएम ने प्रशिक्षण के दौरान कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स को मतदान के दिन बूथों पर विभिन्न व्यवस्थाओं की निगरानी करनी होगी, जिनमें ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का संचालन सुचारू बनाए रखने का दायित्व तो भी शामिल है। इसलिए माइक्रो ऑब्जर्वर इन मशीनों की कार्य प्रणाली भलीभांति समझने के साथ यह भी जान ले कि उन्हें ईवीएम और वीवीपैट यूनिट खराब होने की दशा में वैकल्पिक व्यवस्था किस स्तर से और कहां से करनी। माइक्रो ऑब्जर्वर की विभिन्न शंकाओं पर भी डीएम ने समाधान किया है। बांदा से चित्रकूट आ रहा लोडर क्रेशर मंडी भरतकूप में एनएच के किनारे खड़े ट्रक में भिड़ गया, जिसमें लोडर में बैठे दो युवकों की मौत हो गई और एक युवक की हालत नाजुक होने पर प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया है। मृतक चित्रकूट के सीतापुर के रहने वाले थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं बीजेपी विधायक चंद्रिका प्रसाद ने पीड़ित परिजनों को मदद का आश्वासन दिया है। गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित ईएसआई अस्पताल का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स मरीज की पिटाई कर रहा है। जिस मरीज की पिटाई हो रही है वो अपने हाथ का इलाज करवाने के लिए आया था और पीटने वाला शख्स अस्पताल का कर्मचारी बताया जा रहा है। दोनों बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। कौशाम्बी जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कौशाम्बी के स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा दिल्ली से आवड़ा जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के अजुआ से लेकर जिला मुख्यालय मंझनपुर तक 50 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनवाई। स्कूली छात्र छात्राओं ने आम लोगों से 6 मई को होने वाले मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए अपील की है। मानव संख्या में शामिल सभी लोगों ने 6 मई को होने वाले मतदान के लिए शपथ ली। झांसी के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट की नई शुरुआत हुई है, जिसके माध्यम से अब मरीजों को ऑक्सीजन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब तक बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर में रिफिलिंग की जाती थी, इसमें काफी वक्त खराब होता था। पिछले दिनों मेडिकल कॉलेज में वार्ड नंबर 8 के पास एक सिस्टम लगाया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन का भंडारण किया जा सकेगा। इसमें मरीजों को वार्ड में उनके बिस्तर पर ही ऑक्सीजन मिल सकेगी। बागपत जनपद के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के बावली गांव की रहने वाली अंजू की शादी साल 2005 में किनोनी गांव में मुजफ्फरनगर के रहने वाले अमित के साथ हुई थी। शादी के बाद पीड़िता का पति ससुर और चचेरा भाई उसके साथ आए दिन शराब पीकर मारपीट करने लगे। महिला की लोहे की रॉड से पिटाई कर फांसी पर लटका कर जान से मारने का प्रयास किया गया। किसी तरह महिला ने फोन पर अपने पिता को मामले की जानकारी दी। सूचना पर पीड़िता के परिजनों ने पुलिस के मामले की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया है। इसके बाद पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। बहराइच में टाइगर के हमले में 2 महिलाओं की मौत हो गई। महिलाओं के मौत के बाद लापरवाही बरतने वाले वन विभाग के प्रति आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी करते हुए आदमखोर टाइगर के पकड़े जाने की मांग की। आपको बता दें कि इन दिनों टाइगर ने खौफनाक आतंक मचा रखा है। आलम यह है कि लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। भूखे टाइगर जंगल के किनारे बसे गांव में घुसकर पशुओं के साथ साथ मनुष्यों को भी अपना शिकार बना रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। गाजियाबाद में अपनी ही पत्नी और 3 मासूम बच्चों की हत्या करने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद के SSP ने कहा है कि ये हत्याकांड उनके पुलिस के कार्यकाल में सबसे चौंकाने वाला हत्याकांड था। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि आरोपी सुमित ने पहले से इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग की थी। दरअसल 2 महीने पहले उसकी नौकरी बेंगलुरु से छूट गई थी, जिसके बाद उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, जिसके बाद आरोपी ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर दी। वहीं आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
शामली में 13 मई को रेलवे स्टेशन बम से उड़ा देने की धमकी भरा पत्र के बाद जीआरपी के सीओ समेत आला अधिकारियों ने शामली स्टेशन पर पहुंचकर प्लेटफार्म माल गोदाम सहित अन्य विभिन्न स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। बता दें जैश ए मोहम्मद के कमांडर मसूद अजहर के नाम से शामली के रेलवे स्टेशन सहित अन्य रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद रेलवे प्रशासन की रातों की नींद उड़ गई थी। इसको लेकर रेलवे स्टेशन पर काफी सतर्कता बरती जा रही है। मौके दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के खेदूपुरा इस्लाम में उस समय हड़कंप मच गया जब इलाके के रहने वाले रफीक अहमद को उसके ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया, तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी सीमा खातून को उसके पति रफीक के परिवार वालों ने जिंदा जला दिया। पति पत्नी ने जिंदा जलाने की खबर जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस ने आनन फानन में दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल चिकित्सालय में भर्ती करा दिया है, जहां इलाज तो चल रहा है लेकिन दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि दोनों ने प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद दोनों के परिवार वाले जान के दुश्मन बने हुए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कन्नौज में एक युवक का शव उसके बंद घर में पड़ा मिला, मौत के कारण का अभी पता नहीं चल पाया। पुलिस हत्या और आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी है। बता दें कि तीरवा कोतवाली क्षेत्र के ककरहिया गांव के पास सुनील के घर में उसका शव पड़ा हुआ था। शव के पास एक तमंचा और दो खाली कारतूस भी पड़े हुए थे। सुनील का पूरा परिवार गांव में रहता है। एसपी अमरेंद्र प्रसाद भी घटनास्थल पर पहुंचे। एसपी ने बताया कि घटना संदिग्ध होने के कारण फॉरेंसिक टीम को भी लगाया गया, जल्द ही घटना का खुलासा होगा। बहराइच में रामगांव थाने की पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जिसने 11 अप्रैल की रात अपने मामा और मामी के ऊपर सोते समय एसिड डाल दिया था। एसिड की वजह से पति पत्नी का चेहरा बुरी तरह झुलस गया था। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद लखनऊ के ट्रामा सेंटर भेज दिया गया था। पुलिस काफी गहनता से जांच कर रही है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आरोपी संदीप ने बताया कि वो मेरी बहन से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन शादी को लेकर के मामा और मामी राजी नहीं थे, जिसकी वजह से घटना को अंजाम दिया है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब कांग्रेस पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही पंचायतों के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आरपी रतूड़ी ने बताया कि कांग्रेस 23 मई के बाद पंचायत चुनाव को जीतने के लिए दमखम लगाने वाली है। साथ ही सभी वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से पंचायतों के लिए रणनीति बनाई जा रही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने 2013 में केदारनाथ में आए जल प्रलय के दौरान तीर्थयात्रियों की मौत के मामले में राज्य सरकार को 4 हफ्ते के अंदर जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा है कि अगर सरकार कंकाल का डीएनए टेस्ट करवा रही है तो किस प्रयोगशाला में करवाया जाएगा और सरकार मामले में क्या कदम उठा रही है। दिल्ली निवासी अजय गौतम ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि केदार घाटी में आपदा में करीब 4200 लोग लापता थे, जिसमें से 600 के कंकाल बरामद हुए। आपदा के 4 साल बाद भी 3200 लोग केदार घाटी में दफन है, जिनको सरकार निकालने को लेकर कोई कार्य नहीं कर रही है। बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल और कुंवर प्रताप सिंह चैंपियन के बीच चल रहे विवाद के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने आईजी गढ़वाल को 1 महीने के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने आईजी गढ़वाल से पूछा है कि 12 साल बीत जाने के बाद भी मामले में जांच पूरी क्यों नहीं हो पाई। बता दें देशराज कर्णवाल ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि 2007 में राशन कार्ड बनाने समेत अन्य मामले को लेकर उन्होंने कई लोगों के खिलाफ कोतवाली रुड़की में मुकदमा दर्ज करवाया था। बागेश्वर के पिंडार घाटी में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में राज्य की कुल 11 टीमों ने प्रतिभाग किया है। प्रतियोगिता में टीमों का फाइनल मुकाबला हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले के बीच खेला जाएगा। वहीं बालिका टीमों के मुकाबले में चमोली और टिहरी जिले के बीच खेला जाएगा। वही प्रतियोगिता जीतने वालों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे पहाड़ी जिलों की मदद के लिए दिल्ली की हितकर संस्था आगे आई है। इस संस्था से चमोली जिले के थराली और कर्णप्रयाग में निशुल्क मेडिकल शिविर लगाया गया, जिसमें दिल्ली के मेदांता और एम्स अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों से यहां के लोगों का प्रशिक्षण किया गया और निशुल्क दवाइयां भी बांटी गईं। संस्था के सदस्यों का कहना है कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य की समस्या से परेशान हो रहे लोगों की मदद करना है। शिविर में 300 लोगों का निशुल्क परीक्षण किया गया और उनकी दवाइयां भी बांटी गईं। वहीं लोगों ने संस्था के कामों की सराहना की। गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राजेंद्र अड़थवाल कोटद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने काशी रामपुर तला में 83 लाख की लागत से बन रहे गौशाला का स्थलीय निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों का जायजा लिया। वहीं उन्होंने बताया कि गौ सेवा सदन बनाने में अभी तक 17 लाख रुपए लग चुके हैं। 83 लाख की डीपीआर शहरी विकास मंत्रालय को भेजी गई है, जो जल्द ही पूरी होगी और वहां पर बिजली पानी की भी व्यवस्था की जा रही है। वहीं ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो गाय माता को छोड़ देते हैं।
टिहरी जिले के केंद्र बिंदु चंबा में अगले महीने चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन प्रशासन और नगर पालिका से पानी और शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चंबा बाईपास में बना पेयजल टैंक में भी पानी नहीं आ रहा है। वहीं शौचालयों की हालत भी दयनीय बनी हुई है। शौचालयों में भी पानी की किल्लत बनी है। लोगों का कहना है कि नगर में तीन दिन बाद पानी आता है, वो भी पर्याप्त नहीं है। हरिद्वार एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने लक्सर कोतवाली का निरीक्षण किया। एसएसपी ने कोतवाली में असलाह कागजात और पूरी कोतवाली का बहुत ही बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण में एसएसपी जन्मेजय खंडूरी पूरी तरह संतुष्ट नजर आए। इस दौरान कोतवाली में प्रधानों समेत कई जनप्रतिनिधियों ने अपनी शिकायतें एसएसपी के सामने रखी। वहीं एसएसपी ने शिकायतों को दूर करने का आश्वासन दिया। मसूरी में वर्ल्ड बुक डे के मौके पर मशहूर राइटर रस्किन बॉन्ड ने अपनी नई किताब कुकीज अ सॉन्ग को रिलीज किया। पद्मश्री लेखक रस्किन बॉन्ड ने बताया कि उनकी किताब खास तौर पर बच्चों की कहानियों को समेटे हुए है। कुकीज अ सॉन्ग में मसूरी देहरादून की खूबसूरती को बेस बनाकर कहानियां लिखी गई हैं। बुक में एक बच्ची कोकी मुख्य किरदार में है। उन्होंने कहा कि ये कहानी मसूरी देहरादून और उत्तराखंड में कहीं भी हो सकती है। बुक रिलीज के मौके पर स्थानीय निवासियों के साथ ही बाहर से आए पर्यटक भी शामिल हुए। रस्किन बॉन्ड ने भी अपने प्रशंसकों को निराश नहीं किया और अपनी नई किताब के साथ ही पुरानी किताबों पर भी ऑटोग्राफ दिए। नैनीताल में पार्षदों ने जमकर विरोध किया और अधिशासी अधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा। पार्षदों के अनुसार पालिका क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट तो है, लेकिन वो जलती नहीं है और कई बार शिकायतों के बावजूद भी प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। इसको लेकर लोगों में आक्रोश है। इसको लेकर पार्षदों ने नगर पालिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्षद कैलाश अधिकारी ने बताया कि नगर के सभी वार्डों में स्ट्रीट लाइटें नहीं जल रही हैं और सूचना दिए जाने के बावजूद उनकी मरम्मत नहीं की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी कार्रवाई नहीं की गई तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को देखते हुए जिलाधिकारी एस ए मुरुगेशन ने अधिकारियों के साथ बैठक की और यात्रियों की सुविधा के लिए एक हफ्ते में कंट्रोल रूम बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा व्यवस्था में परिवहन, रोटेशन समिति, पुलिस, बिजली और पेयजल की मुख्य भूमिका है। इसको लेकर विभागीय तालमेल से सभी समस्याओं का निदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने पर उन्हें धर्मशालाओं में रुकाया जाएगा। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस भी अलर्ट है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान डीएम ने बस अड्डे का भी स्थलीय निरीक्षण किया और अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। रुड़की में पेराई सत्र खत्म होने के बाद भी इकबालपुर शुगर मिल के किसानों का बकाया गन्ना भुगतान नहीं किया गया। इसको लेकर किसानों में भारी रोष है। किसानों का आरोप है कि सरकार ने किसानों के साथ भेदभाव किया है, जिससे किसान आज भी भुखमरी की कगार पर हैं। उन्होंने बताया कि किसानों की रोजी रोटी का जरिया सिर्फ खेती पर निर्भर है, जिसमें सबसे ज्यादा गन्ने की पैदावार किसान करता है, लेकिन मिल के अधिकारी किसानों की मेहनत पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। किसानों को आज तक बकाया गन्ना भुगतान नहीं किया गया है, जिससे किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। टिहरी जिले में जाम के झाम से लोग परेशान हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन लोगों को जाम की समस्या से निजात नहीं दिला पा रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश है। बता दें, लंब गांव उत्तरकाशी मोटर मार्ग पर घंटों जाम लग रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार पुलिस प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे लोगों में आक्रोश है।